आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज हमारे देश में ही क्या विश्व में डायबिटीज महामारी का रूप ले रही है। हम अपनी प्राकृतिक चीज़ों से भाग रहे हैं जो हमें प्रकृति ने दी है, हम उसको नहीं खाना चाहते हैं। उसकी जगह पर हम पिज़्ज़ा बर्गर और पता नहीं क्या क्या खाने का उपयोग करने लगे हैं। इसीलिए हमारी डायबिटीज़ दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और हम लोग अब बैठे बैठे का काम करने लगे हैं, चला फ्री का काम नहीं करते हैं। इससे हमारी इंसुलेंस बहुत कम निकलने लगी है। इसीलिए आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ बताई जाए जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हो। लाभदायक होना चाहिए और लाभदायक के संग संग बहुत टेस्टी भी होना चाहिए, जो आप लोग सब लोग बड़े टेस्ट से खा सकें। इसी को सोचते हुए मैंने यह देखिए मैंने लिया है, यह घी है मेरा, यह शक्कर है, ये मैंने 2-3 चम्मच शक्कर ले ली है, ये मैंने धनिया, ये हल्दी, ये मेथी और ये है मेरे जीरे और ये सौंफ और ये है मेरे जो है आंवले। आंवले तो आंवले नहीं, ये तो अमृत है, ये तो विटामिन सी की इसमें भरपूर मात्रा होती है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे वाले होती हैं। लेकिन हम लोग कसैले होने की वजह से आंवले को खाते ही नहीं हैं। और ये है देखिए मखाने, जिसमें बच्चे तो आंवले को खाते ही नहीं हैं। आंवले में बहुत अधिक फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं और अगर हम लोग नित्य ही मखाने का सेवन करेंगे तो हमारी डायबिटीज़ तो भाग जाएगी। इसीलिए हम आज आपको बड़ी ही टेस्टी सब्जी बता रहे हैं जो आप तो ठीक है बच्चे बड़े प्यार से खाएंगे, पराठे पूड़ी के संग तो इसको बच्चे बड़े ही स्वाद ले लेके खाएंगे और बुज़ुर्ग तो उंगली चाट चाट के खाएंगे। ये देखिए ये मैंने अपना 1 चम्मच घी ले लिया है। इस सब्जी को शुद्ध घी में बनाना चाहिए क्योंकि मैं इसको बहुत ही पौष्टिक बना रही हूँ। आंवला बहुत ही पौष्टिक होता है और मैं उसको और भी पौष्टिक बना रही हूँ। मेरा घी हो गया है, मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी डालना है, 1/2 चम्मच मेथी डालना है क्योंकि आंवले हमारे बहुत ही कम हैं। आंवले कम हैं, अभी नए आए हैं, बिल्कुल शुरू हुआ है इन आंवलों का आना और आप इनको बड़े आराम से 10 महीने तक ही आंवले मिलते हैं। आप इनको खाइए और इनको सुखा के भी रख लीजिए। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि आप सूखे हुए आंवले को भी खा सकेंगे। ये देखिए ये मेरा आराम से घी मेथी हो रही है, मेथी के संग ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा। तो ये है मेरी 1 चम्मच के अंदाज की सौंफ, ये मैंने इसमें 3 चीज़ें ही डाल दी हैं। ये मेरी तीनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने मखाने। मुझे थोड़ी से मखाने भूनना पड़ेंगे, गैस को मैं कम कर देती हूँ और अपने मखानों को थोड़ा सा ही घी में तल लेती हूँ। ये देखिए मेरे मखाने कम गैस में बड़े आराम से भुंज रहे हैं। अब मैं इसमें ही डाल रही हूँ आप 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये देखिए ये मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच के अंदाज का नमक, आंवलों में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना चाहिए। ये हमारा अचार समझिए या सब्जी समझिए, इसको आप नित्य खाइए, बनाइए और बच्चों को रोज़ ही खिलाइए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए और जिसको डायबिटीज़ हो उसको तो इसको डायबिटीज़ वालों को तो इसको खाना ही चाहिए। ये देखिए मेरे मखाने कितने अच्छे हो चुके हैं।
मैंने जितने ही आंवले लिए हैं उसके बराबर ही मैंने मखाने ले लिए हैं। अब मैं इसमें अपने आंवले डाल रही हूँ। मैंने आंवले उबाल लिए थे, पहले आंवलों को साफ किया, धोया, फिर इनको उबाल लिया। इनको सुखाना नहीं पड़ता है, उबालना ही पड़ता है। सिर्फ इनको उबालिए और इनकी गुठली निकाल लीजिए। वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो इसलिए मैं तैयारी सारी कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे आंवलों में मसाला अच्छे से हो रहा है। अब मैं इसमें ही डाल दे रही हूँ अपनी शक्कर। इसमें मैं शक्कर भी डाल रही हूँ। बस इतनी सी सब्ज़ी है ये सब्ज़ी, देखिए इतनी फ़ायदे वाली है और इतनी टेस्टी है कि हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि इसमें मेथी है शुगर वालों के लिए, और सौंफ है, जीरा है, हल्दी पाउडर भी है, और मखाने भी हैं, और आंवले भी हैं। और आप चाहें तो इसमें शक्कर ना भी डालें तो ये बहुत ही फ़ायदे वाली हो जाएगी शुगर वालों के लिए। लेकिन मैं तो बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आंवले। बच्चों को हमें खिलाना है जिससे अभी से उनको कैल्शियम की कमी ना हो सके, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच ही शक्कर डाल रही हूँ। और मुझे इस सब्ज़ी को बस जब तक ही चलाना पड़ेगा जब तक कि हमारी शक्कर घुल नहीं जाती है। ये देखिए शक्कर तो बड़ी जल्दी घुल जाएगी और मुरब्बों वगैरह आंवले में मिल जाएगी और आंवले हमारे मुरब्बा जैसा स्वाद देंगे। ये देखिए, धन्यवाद।